हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है AR के सर्वाइवल वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने ये बिल्जी बूफो पकड़ा था, हमारा मेंढक, और ये सीमेंटिंग पेस्ट कलेक्ट करता है अगर आप इसको बर्ग्स पकड़वाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। पर आज के एपिसोड में हम कार्नेटोसॉर, वाओ, उसकी जंप तो गजब की है और इसका स्टैमिना भी अच्छा खासा। ओके, तो मैं इसका लेवल अप करता हूँ, मैं इसका भी मेले डैमेज ही बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो हमारे इधर कहाँ गया हमारा रॉकेट, वेयर इज ही, कहाँ गया? मैं उसको छोड़कर आ गया हूँ लगता है उधर पे। ओके, तो जैसे मैंने कल ट्रिक करा था इस मेंढक को पकड़ने के लिए, वैसे ही मैं करूँगा। और उस डायरेक्शन में ही घूम रहा है वो, तो मुझे बस उसका लेवल देखना है कि लेवल कितना है और फिर हम उस पर हमला बोलने वाले। ओह, ये तो मिस्टर बीव है। मैं लेकर तो आया था, किधर है फिर मिस्टर बीव को भी लेके चलते हैं उधर। मिस्टर बीव, फॉलो मी। अच्छा, ये तो खड़ा है बीच में, यही है क्या? हाँ, यही है पॉकेट। क्या बात है। ओके, स्टे हियर, मुझे बस उसकी लेवल चेक करनी है, देखनी है कि कितने लेवल का है वो, और फिर हम उसको टेम करने की कोशिश करेंगे। मुझे एक स्टोन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर खड़े होके मैं उसको ट्रैंक मार सकूं। वो बॉय, वो डोडो, डोडो रेक्स है इधर, व्हाट, डोडो रेक्स स्पॉन हुआ है, जीज, ये देखो लेवल 1 का डोडो रेक्स है। अरे रे, हटना। और इसको आप टेम नहीं कर सकते, ये लेवल 1 का है, इसको आप मार सकते हो पर मारने पर भी इसका बहुत HP रहता है, खतरनाक वाला। ये रहा, नाइस। वो देखो, वो चालू हो गई क्योंकि हेलोवीन वाली धुन चालू हो गई है पीछे, क्योंकि यहाँ पर डोडो रेक्स है इसलिए। अब इसका क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसको टेम नहीं कर सकते, इसको सिर्फ मार सकते, क्योंकि अगर इसको मारने पर बहुत शानदार लूट मिलती है, पर हमारे पास इतना HP नहीं है कि हम इसे मार सकें। और डोडो रेक्स का लेवल 1 पे ही इसका कम से कम 60,000 HP रहता है शायद। ये रेक्स, टी रेक्स और डोडो का मिक्सचर है ये डोडो रेक्स। वाओ, आखिरकार हमें देखने को मिल ही गया ये। ए डोडो रेक्स, तो मैं इसको देखता हूँ अगर टेम कर सकते हैं कैसे, वैसे तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी हेल्थ जो है वो बहुत खतरनाक रहती है और मेरे ये पॉकेट को एक बार में ही उड़ा देगा, इसलिए इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाई लेवल, हाई HP, हाई डैमेज वाले डायनोस चाहिए अगर आपको इसको मारना है। इसका लेवल 6 लाख रहता है,
6,66,000 HP पॉइंट्स रहते हैं इसके, पर अच्छी चीज़ ये है कि आज हमें दिख ही गया। और ये लेवल 1 पे स्पॉन होता है, ज़्यादा लेवल नहीं रहता इसका, एक ही लेवल पे स्पॉन होता है। डोडोरेक्स, वाइल्ड डोडोरेक्स लेवल 1, कोई हेलोवीन इवेंट का इवेंट में आता है ये बस। पर हम जो आए थे वो कहाँ गया, उसको मार दिया क्या इसने? हम जिसे ढूंढने आए थे वो तो है नहीं इधर। और हाँ, इसका अटैक जो रहता है वो फायर ब्रीदिंग रहता है और मेले अटैक भी है, तो मैं इसके इससे दूर ही रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि अगर इसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और अभी हम गिरने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हॉल्ट ले लेता हूँ। वो कार्नो कहाँ गया? और ये थोड़ी देर बाद डीस्पॉन भी हो जाता है, अभी तो है ये यहाँ पर, फिर वापस डीस्पॉन हो जाएगा। अब जिसका शिकार करने हम आए हैं उसको ढूंढना है हमें यहाँ पे। बहुत रिस्की काम हो गया ये तो अब, क्योंकि पास में हमारे डोडोरेक्स है और इस तरफ ये है इसे हम ढूंढने आए हैं। टाइटन बोवा के लिए मुझे फर्टिलाइज्ड एग चाहिए अगर मुझे उसको टेम करना है तो। कल आप बोल रहे थे कि टाइटन बोवा टेम करो, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, उसके लिए फर्टिलाइज्ड एग चाहिए और फर्टिलाइज्ड एग के लिए मुझे मेटिंग करानी पड़ेगी, तो मैं स्टार्ट करूँगा वो भी। वाओ, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है नीचे? कुछ तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस याली जगह तो सब दूर से टाइटन बोवा से भरी हुई है, क्योंकि सबवाम्प है ना, सबवाम्प में टाइटन बोवा ही रहते हैं। ओ, ये क्या बेरीज लगी है क्या इसके ऊपर? वाओ, फ्लावर्स लगे हुए। ये कौन सा डायनो है? बैरी ऑनिक्स। बेचारे उसको मार रहा है। वाह, ये तो कार्निवोर्स को भी नहीं छोड़ता है। बैरियोनिक्स लेवल 96 का, डैम। ऐसी चीजों से हम होरी स्वेटर्स, यहाँ पर जहाँ देखो टाइटन बोआ घूम रहा है। डोडोरेक्स डीस्पॉन हो गया क्या? नहीं, अभी भी है वहीं पर ही। अरे यार, वो हमारा डायनो इधर से भाग गया जिसको हम पकड़ने आए थे। कोई बात नहीं,
दिख भी नहीं रहा वो अब। ए ये यहाँ पर कैसे आया? अरे यार मेरे पास केक पड़े हुए हैं पर वो उधर पे है। ये देखो कहाँ गया। एक क्या नाम था इसका, इधर ड्रॉप करते हैं नाम, वैसे भी कोई है नहीं इधर बुरा जानवर। ओके तो ये है वो एकटीना लेवल 16, तो इसको केक खिलाना पड़ता है अगर आपको इसको टेम करना है तो। देयर इज द जायंट डोडोरेक्स। ओह वो ज़ॉम्बी डोडोज भी है, देखो इसकी आर्मी साथ लेकर आता ही है। ज़ॉम्बी डोडोज है नीचे, दिखा आपने? ओ वो क्या शेल रखा हुआ है, अच्छा ये इसी का है। ओके इसको का जब खतरा महसूस होता है आर्कटीना को तो ये घुस जाता है अंदर। वो देखो वाइल्ड वाइल्ड ज़ॉम्बो ज़ॉम डोडो लेवल 60, इनको भी टेम नहीं कर सकते आप शायद ज़ॉम डोडो को। और ये जब डोडोरेक स्पॉन होता है तो ये छोटी आर्मी इसकी स्पॉन होती है। गजब है, पर इसके लिए आपको हैवी, बहुत हैवी हाई लेवल डैमेज हाई एचपी लेवल वाले डायनोस चाहिए अगर इसको टेम करना है तो, बहुत मुश्किल है। चलो फिर आर्कटीना से हम एकटीना से हम काम चलाते हैं। इसको देखता हूँ मैं अमर, अगर मुझे थोड़ी लूट वूट में आसपास कहीं लूट हो नहीं रही है, ड्रॉप नहीं मिल रहा है हेलोवीन वाला, वो मिले तो फिर मैं केक लेकर आऊँ। ओके चलो थोड़ी सी केक सर्च करते हैं, या तो फिर मुझे मेरी वाली पुरानी बेस पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से केक लेकर आता हूँ मैं। वैसे इसमें डीस्पॉन बहुत कम होते हैं ना डायनोस। यस इंडीड, ठीक है। ओके तो मैंने एक छोटा सा पेन बनाया है ये आर्कटीना के लिए और उनको मैं उठा उठा के इधर लेकर आऊँगा। ये घूम रहा है इधर, और आप टेरेडॉन अगर आपके पास है तो आप उन्हें उठा सकते हो इजीली। आई एम गोइंग टू कैच यू ब्रो। नाइस 16 लेवल का है, इसको ले जाते हैं और सीधे हमारे पेन में पटकते हैं। मैंने छोटा सा वुडन पेन बनाया है वुडन वॉल्स का। वही पढ़ लिया। ओह शूट्स बड़ा डिफिकल्ट है। ओ गया अंदर सीधा। हा हा हा। सीधा इसके अंदर। अब इसको डैमेज तो कर नहीं सकता, अब मुझे सिर्फ केक लेकर आना है और इसको केक खिलाना है। और केक जो है हमारे वहाँ पर रखा हुआ है सेकंड बेस पे, वहाँ पर जाते हैं और फटाफट से केक लेकर आते हैं। ओके ओके तो यहाँ पर भी एक डोडोरेक स्पॉन हुआ है और आज पता नहीं आज शायद हेलोवीन है, शायद इसलिए इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। ये देखो ये खड़ा है वो आ गया। ये रहा है डोडोरेक्स उसकी सेना के साथ ज़ॉम डोडोस के साथ। बाप रे ये हमारी बेस के पास ही है, कुछ ज़्यादा ही पास है लगता। और इसका पैसिव नेचर है, पैसिव नेचर क्या है, बस खड़ा रहता है एक जगह और दूसरे डायनोस उसके पास जाते तो शायद हमला नहीं करता है। वो देखो उसके नीचे एक पैरासोर घूम रहा है। नाइस पहले पर हम जाएंगे इधर, ये इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है। ज़रूर कॉम्पी होंगे। ओ बाबा रात हुई गई है भाई। ये फिशिंग रॉड, नाइस फिशिंग रॉड मिली है भाई। एक काम करते हैं इस वाले पे चलते हैं,
मुझे केक अभी तक मिला नहीं है, मैंने दो हेलोवीन वाली लूट क्रेट खोजी है, इधर स्पाइनो है जो कि धूम मचा रहा है। डोडोरेक्स को मारना है तो आपको बहुत सारा पावर चाहिए, मेन पावर भी चाहिए, डायनो पावर भी काफ़ी सारा चाहिए। सैडली इसमें भी कुछ नहीं मिला, हमें हमारी बेस पे ही जाना पड़ेगा। हमारी बेस अब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दो दो रेक्स स्पॉन हुए, दो दो रेक्स, दो दो डोडो रेक्स, उनसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा रहता अगर आप सोलो खेल रहे हो तो, क्योंकि उनका कुछ नहीं कर सकते आप, टीम तो कर नहीं सकते, मारना भी इम्पॉसिबल है एक अकेले बंदे के लिए। तो इसका वेट करते हैं हम नीचे आने का, अब तक देखते हैं इधर आसपास और कोई स्पॉन हुआ है क्या, नहीं है। ओके वी आर क्लोजिंग, बस उस पहाड़ी के पीछे हमारा बस ये ड्रॉप नीचे आ जाए। एक काम करता हूँ मैं, जब तक ये नीचे आएगा जब तक तो मैं लेके आ जाऊँगा उसको, अभी इसको नीचे आने में टाइम है। यप धीरे धीरे आएगा जब तक हम हमारे बेस से वापस भी आ जाएंगे। नॉइस, होपफुली मेरे पास वो इंटैक्ट हो जो मैं लेने जा रहा हूँ। केक लेने जा रहे हैं हम, केक अकटीना को खिलाने, अकटीना को खिलाने के लिए। ये आ गए हम हमारी बेस पे, अब देखें। ओ चार सलामत है, 44 मिनट्स बाकी है, चार केक है हमारे पास, होपफुली इससे वो टीम हो जाए। Our only hope is that. Oh, काफी सारा माल पड़ा है इसमें तो, नॉइस। ओके तो चलो चले वापस पॉकेट, हमें निकलना होगा। थोड़े से आलू टमाटर रख लेते हैं हम हमारी इन्वेंट्री में, ताकि हम खाते खाते जाएं। और ये क्या है, लैम चॉप, ओ माय गॉड। और इसको रखो मैं इसमें, इसमें 44 मिनट्स बाकी है तो मेरे को जल्दी उसे खिलाना पड़ेगा, या फिर मैं वहाँ पर जाके रख दूँगा इसे अपने प्रिजर्विंग बिन में। और वो ड्रॉप जो है नीचे आ गई है, लेट्स के टीम। ये भी मुझे जो केक मिला है ये मैंने क्राफ्ट नहीं करा है, ये मुझे ड्रॉप्स में से ही मिला है, हेलोवीन ड्रॉप्स में से ही मिला है। वो नीचे एक अल्फा टीरेक्स घूम रहा है, टीरेक्स नहीं रैप्टर, ऐसा लग रहा है एंडमैन दौड़ लगा रहा है, उसके पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसके अंदर। प्लीज गिव मी अ केक। ओह नो, पर कोई बात नहीं, अच्छा लूट है, खाना वाने का मिलता है तो अपन को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो मस्त खाता है खाना दबा के। अगर आपको डोडोरेक्स से फाइट करनी भी है ना, अगर मरना है उससे, तो अकेले जाओ बिना किसी डायनो के, सब कुछ सामान वामान छोड़ के, देखो कैसा मारता है, फिर वो मज़ा आएगा आपको मार खाने में भी। ओह अल्फा ट्राइसेराटॉप्स को मार रहा ही है स्पाइनो, मार डाला उसने, जी जी है ये। वो रहा डोडो रेक्स, व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर यू जायंट। हाँ गया, गजब क्रीचर बनाया इन्होंने।
इसके पास जाते हैं वैसे ही ये हेलोवीन वाली धुन शुरू हो जाती है। सो इस वर्ल्ड में अभी दो डोडोरेक स्पॉन हो गए हैं, शायद आज हेलोवीन है इसलिए इतना इनका नंबर बढ़ रहा है। ए बीवर बॉय व्हाट्स अप। ओके तो हम आ गए हमारे घर, अब मुझे बस इस केक को प्रिजर्विंग बिन में रखना है और सुबह का वेट करना है ताकि हमें थोड़ा विजिबिलिटी आए और हम आराम से देख सकें कि क्या चल रहा है और कैसे उसको हम टेम कर सकते हैं। ये गया इसमें, अब इसका हो गया है 6 घंटे का स्पॉइल टाइम, नाइस। और ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये क्या है, लाजोरस चाउडर बट दैट शेबेस्ट मीन कैलियन सूप। ओके बैटल ट्राटर टॉट्रेट। ओके ये व्हाट इज दिस, ग्रीन ब्रू शशे प्राइम मीट। अच्छा प्राइम मीट को आप अगर पका लो तो उसका स्पॉइल टाइम बढ़ जाता है। ओके क्योंकि रॉ प्राइम मीट बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये क्या है, मीट जर्की है, इनको भी इसमें रखो। और मुझे फ़िशिंग रॉड मिला है, ये रहा फ़िशिंग रॉड, फ़िशिंग करना भी सीखना है, मैंने आज तक फ़िशिंग नहीं करी है ARK में। ओके सो वेट करते हैं हम सुबह होने का, फिर हम आर्कटीना को टीम करने की कोशिश करते हैं। ओके सुबह हो गई है और अब मुझे ट्रैंक एरोस निकालने पड़ेंगे और हमारा आर्कटीना उधर है और इसके लिए शायद से हमें नार्कोस भी चाहिए रहता है क्योंकि इसका जो टीमिंग है वो थोड़ा सा ऑड है। इसमें से मैं कितने निकालूं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाले निकालूं, ये मुझे और मिले हैं 4, ये मैं भी रात में ढूंढ रहा था इधर उधर लूट रहा था तो उसमें से मिले मुझे। और इसमें से ये ले लो नार्कोस। ओके लेट्स गो। तो मुझे उसके हेड पे एम करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैंने एक वो बनाया है, डोर बनाया ताकि मैं अंदर बाहर जा सकूँ। ठीक है तो मैं इसके हेड पे एम करके देखता हूँ। ए डूड, हाँ देखते हुआ, ए हो गया, अनकॉन्शियस हो गया ये, नाइस नाइस नाइस। अब हम अंदर चलते हैं, पहले इसे अंदर रखो, हेड पे पड़ना चाहिए, हेड पे सही पड़ जाता है। ये देखो इसका अनकॉन्शियस लेवल बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाता है तो मैं, ओह टीम हो गया एक में ही, क्या बात है। इसका नाम हम रखते टीना, नाइस। ये क्या है, अगर मैं इसमें से ये निकाल लूंगा तो, और इसकी डाइट क्या है, खाता क्या है, ये सिर्फ केक खाता है क्या। ए व्हाट डू यू ईट, एक्सेस इन्वेंटरी, केक ही दिख रहा है अभी तो मुझे 2-3 और लेकर आने पड़ेंगे तो मैं निकाल लेता हूँ उसके इसमें से। ठीक है और हमारा एकटीना हमने एक टेम कर लिया है, नाइस। मैं इसको डिसेबल फॉलो कर देता हूँ। ओके डोंट फॉलो मी, यू स्टे हियर, आई विल बी हियर सून। ओके तो हमने बहुत इजीली कर लिया है, अब मुझे देखना है कि क्या करना था, इसको खिलाना क्या है वो देखना है और 2-3 को और पकड़ के लेकर आ सकते हैं ताकि हमारे पास ढेर सारा सीमेंटिंग पेस्ट हो। चलो चले और देखें कि और क्या कर सकते हैं, हम और लेकर आ सकते हैं कि नहीं।
दो तीन और पकड़ के लेकर आ जाएंगे तो मज़ा आएगा। साला है भी तो वो कहाँ पर, डोडो रेक्स के पास में, मुझे यहाँ पर मिला था वो। लेट्स सी और है क्या इधर पे, क्योंकि उनका अच्छा खासा फार्म बन जाएगा। डोडोरेक्स डिस्पॉन हुआ क्या बाबा? इधर ही दिखाता, मुझे यहीं से उठा के लेकर आया था मैं उसे। हाँ भाई साहब, डोडोरेक्स तो खड़ा हुआ है उधर भी। इधर ही देखना पड़ेगा, इधर इधर मिला था तो इधर ही दूसरे भी मिल जाएंगे आसपास। ए एक और लूट है यहाँ पर। ओ मोर केक, नाइस, दो केक और मिले हमें, वेरी गुड। बाप रे, मैं ज्यादा पास तो नहीं चले गया ना इसके? नहीं। और नहीं हो रहे हैं, मेरे को लेकर आने पड़ेंगे तीन चार और। चलो हम हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड करते हैं, पर मुझे एक चीज़ करनी है जो कि मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ उस चीज़ को करने के लिए, वो है डोडोरेक्स से फाइट। तो भले ही हम मर जाएं, पर हम एक बार उससे मार के तो देखें, एक तीर तो मैं मारूंगा उसे। तो मैं सुरक्षित अपने डायनोस को यहाँ पर छोड़ता हूँ और फिर जाते हैं हम। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ यहीं पर छोड़ देते हैं। वहाँ पर फुल हो गया ये। बेरीज वेरीज हटाओ, बेरीज नहीं चाहिए हमें, बेरीज स्पेस घेर रही है इसमें बस। ओके ये रखो सब खाने वाने का सामान। केक वाह, केक तो इधर लाओ, केक और ये जर्कीज ये हम रखेंगे हमारे फ्रिज में। देन ये कलर वाली चीज़ इसमें रखो और केक डालो सीधा इसमें। देन ये जर्कीज लैम्ब, ओके। देन इसमें से क्रॉसबो भी रखो, मुझे बो चाहिए मेरा बस, विद सम एरोस। बाकी का सामान यहीं पर रखते हैं, खाना भी है हमारे पास काफी। ये भरा गया पूरा, नहीं है स्पेस अभी। ओके सब छोड़ दिया मैंने, मेरे पास अरे एरोस कहाँ गए, एरोस लिए थे ना मैं, एरोस उठाए नहीं क्या इसने मेरे? तो हम लेते हैं ट्रांसफर स्प्लिट हाफ, 7 एरोस, गुड, लेट्स गो। और हमारे कपड़े भी हम उतार देते हैं। कपड़े रखने की जगह नहीं है क्या हमारे पास? ओके लेट्स हंट द डोडोरेक्स। वैसे हम मरने वाले हैं, पर मैं उसे हमारी बेस से दूर ही रखूँ तो अच्छा है। लेट्स गो। डोडोरेक्स आई एम कमिंग And you're going to die like all other dodos. शायद ये श्रापित हैं हम, क्योंकि
हम डोडोस को मारते रहते हैं ना इजीली, जहाँ देखो वहाँ पर डोडो दिखा मारो, डोडो दिखा मारो। तो ये डोडो रेक्स आया अब हमको मारने। इतनी जितनी इजीली हम डोडो रेक्स को, डोडोस को मारते हैं ना, उतनी इजीली ये हमको मार देगा। मतलब एक हिट में मैं मरने वाला हूँ, पर मैं एक इसका जॉम्बी को तो मार के रहूँगा। एक हिट में लेता हूँ इसके ऊपर डोडो रेक्स पे, और इसका मुझे फायर ब्रीदिंग देखना कैसा रहता है। मैं पहले इधर पहुँच जाऊँ, हाई ग्राउंड लेता हूँ मेरा, ऊपर से मारूंगा मैं इसको। हो शिट, होली, अरे रे, इसने तो देखने भी नहीं दिया मुझे। जी गाइस, सो आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है, और हम मर गए आखिरकार डोडो रेक्स से। मरे तो सही, कम से कम मार नहीं सके उसे तो वेल डन। एंड आई विल बी बैक इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।